मैं आज आपको ना नीलम मुनीर के जो हरकतें हैं ना वो दिखाता हूँ, ये कैसे स्टिक के पीछे पड़ती है। हेलो नीलम मुनीर, इसका नाम हमने सोचा हम नीलम मुनीर ही रखेंगे। ये देखें स्टाइल चेक करें इसका। आज आ गई आ गई आ गई। नहीं, इस तरह ड्रामेबाजी करती है, दिखाती है कि मैं आ गई हूँ लेकिन आती कोई नहीं है। इसके पास लेके जाएंगे ना फिर आएगी। आप खेलेगी, कहती मेरे पास ले क्या, वो तब खेलूंगी। इसके लिए ना हमने एक और हैक बनाया है। ये मेरी चार्जर की तारें अक्सर नीचे रह जाती हैं और ये ना तोड़ने की कोशिश करती है, और इसके लिए ना मैंने अभी धागा लगा दी यहाँ पे डोरी। अब ये इसके साथ खेलती रहती है, जब इसका दिल चाहता है इसके साथ, ये इसके साथ नहीं खेलती फिर इसके साथ खेलती है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, दरवाजे के साथ कोई ना कोई चीज़ लटका दें, कोई इस टाइम स्टिक लटका दें, तो ताकि ना आपकी चीज़ों के साथ ना खेले, अपनी मगन रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद, उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि नीलम नीर को हम लोग ड्राई क्लीन प्रॉपर तरीके से किस तरह करेंगे, बगैर नलाई किस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ कर सकते हैं। आज वैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, आज वैसे भी नहीं नहला सकते, और 4 को इसकी वैक्सीनेशन डेट है, उससे पहले हम इसको ड्राई क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि हम लोगों ने सेल लगा दी है चबी में उसके ऊपर, और लास्ट वीडियो जाके लास्ट में देखें, सर्जरी के ऊपर सेल है, सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल है तकरीबन फूड के अलावा, और काफ़ी सारी जो है ऑफर्स लगी हुई हैं। आप लोग जाके हमारी वेबसाइट विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। और सर्जरी वाले जो हज़रात हैं वो काफ़ी सारी सर्जरीज आ रही हैं, तो फ़ायदा ज़रूर उठाएं इन दिनों के अंदर। 15 दिन के लिए सर्जरी है, सर्जरी के लिए ऑफर है। नीलम मुनीर को लेके चलते हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग जैसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। नीलम मुनीर को हम ले आए क्लिनिक पे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा जो जो यूज़ हो रही हैं। एक तो ये ब्रशेज़ आप देख सकते हैं, एक बड़ा ब्रश सिंपल, एक छोटा ब्रश सिंपल, और एक डबल साइड कॉम लाजमी यूज़ करनी है इसके नोट्स के उतारने के लिए। अगर छोटे छोटे नोट्स भी हैं कहीं पे तो वो यूज़ होंगे। उसके अलावा हमारे पास ड्राई बाथ है और ड्राई पाउडर है और ड्राई शैम्पू है, जो नॉर्मली नॉर्मल रेंज में जो आते हैं वही आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना अच्छा जो है उसका रिजल्ट। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले करनी है इसकी एक छोटे वाले ब्रश के साथ कॉम, और आपने हमेशा कॉम जो करनी होती है वो बालों की उल्टी साइड पे करनी है, कभी भी ऐसे नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं, बाल ख़राब होते हैं। हमेशा आप लोगों ने ऐसे करनी है कॉम, पहले छोटे ब्रश के साथ करेंगे ताकि थोड़े थोड़े बाल जो है हमें सीधे हों। नीलम फ्रंट से जो है वो लाजमी आप लोगों ने इसे कॉम करनी है। फ्रंट से हम ना फ़ौरन जो है ना वो करेंगे बड़े के साथ। अब बड़ा वाला जो है ये थोड़ा सा इसको लगेगा, के बाद हम जो है ये वाली कॉम के साथ करेंगे। इसके ना मुझे लगता है आगे थोड़े से नोट्स बनने हैं, तो इससे पहले हम छोटी वाली से करेंगे, ठीक है। अभी तो वैसे कोई नोट नहीं है, अगर होता तो इसके अंदर आया था, लेकिन इससे छोटे मोटे नोट निकलते हैं। अब ये ना कोई बंदा कहे कि वो इतना बड़ा नोट बड़ा मैं निकला नहीं, साथ भी निकाला था। जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं ना वो इससे निकल जाते हैं, लेकिन इसमें कोई नोट्स नहीं, सो सीधा कर। इसके नीचे वाली साइड पर हमेशा कैट को, लोग ना नीचे वाली साइड पर कंघी नहीं करते, इस वजह से नीचे वाली साइड पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो नोट्स बने होते हैं। चलो बस हो गया हो गया। इससे नीचे वाली साइड पे हमेशा लाजमी जो है ना कॉम किया करें। चलो सीधा कर, इसी तरह हम ऊपर वाली साइड से भी इसको कॉम करेंगे, यही वाली। फ़िलहाल नीलम मुनीर में जो है वो किसी भी किस्म का कोई नोट नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप ब्रश करते रहेंगे तो नोट कभी भी नहीं बनते कैट के। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है इसके अच्छे से ब्रशिंग कर लिया, अब इसके अंदर से जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे आप वो अच्छे से जज्ब होगी इसके अंदर। अब हम इसको जो है पहले ड्राई शैम्पू जो है इसके ऊपर लगाएंगे, इससे क्या होगा कि इसके ना थोड़े से बाल जो हैं वो खुलेंगे, थोड़े सिल्की हो जाएंगे। उसके बाद हम ड्राई पाउडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ड्राई शैम्पू आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी कि मुंह की तरफ नहीं करना, आप लोगों ने मुंह से बचा के, ज़्यादा भी नहीं करना, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करें,
नॉर्मल इसको करना है, उसी टाइम वेपरेट हो जाता है। और थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कैट लिख भी ना करे, वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कैट जो है वो लिख ना करे इसको। इससे वैसे भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रहती है कैट की। अब इसको सिंपली जो है आप लोगों ने ब्रश करना है। कोई मिट्टी वगैरह होगी, कोई चीज़ है ऐसी, तो वो जो है वो निकलेगी इसके अंदर से। आप लोग इसको, वैसे तो ये नीला मुनीर हमारी साफ है, लेकिन आप लोग एक और भी काम कर सकते हैं कि आप लोग इसको ना टिश्यू पेपर के साथ या जो है टॉवल वगैरह के साथ भी ये करने के बाद एक दफ़ा रब कर सकते हैं, ताकि कोई मिट्टी वगैरह जमी हुई है, कोई भी चीज़ जमी हुई है वो उसके ऊपर से निकले। इसको हम नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी साफ़ है। अब ये तकरीबन ड्राई हो चुकी है और खुशबू से बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम इसको यूज़ करेंगे ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा लगाना सिखाया है, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर पूरी बॉडी पे, डायरेक्ट फेस पे नहीं करना आप लोगों ने। और इसको आराम आराम से हम रब करेंगे अब। और अब जो इसका टेक्सचर निकल के आएगा वो आप लोगों को तो नहीं इतना कैमरे में नज़र आएगा, लेकिन सॉफ्ट अभी से पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए इसके बाल। इसके यहाँ पे लगाना नीलम, नीलम मुनीर भी तो पाउडर लगाती है ना, आप भी लगा लो। बस बस इधर भी, तब तो इतने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो है ना ड्राई पाउडर या ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं कैट के लिए, डॉग के लिए, कभी भी इनका जो प्रॉपर बाथ होता है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा ये समझता है कि जी हम ये कर लेंगे, बाथ देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये हो सकता है आप महीने में एक दफ़ा बाथ ले दें और एक दफ़ा ऐसे कर लें, आप लोग काम चला सकते हैं, बजाय इसके कि हर हफ्ते आप बाथ दें। या कभी आप इमरजेंसी की सूरत में है, कभी आप नहीं ला सकते, तो आप लोग इस तरह से तरीके से कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से रब करते रहेंगे जब तक इसके अंदर से पाउडर निकलना बंद नहीं हो जाता। तकरीबन पाउडर निकलना बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिल्की हो गई, यू नो यू नो। लें जी नीलम मुनीर को हमने कर दिया पूरी तरह जो है वो ड्राई क्लीन। अगर आपकी कैट वाइट होगी ना तो यही ड्राई क्लीन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निखर के आएगी, या ब्लैक होगी, वाइट होगी, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा था, वो कैमरे में पता नहीं लग रहा। और काफ़ी ज़्यादा चमक भी रही है, शाइन भी कर रही है, उसके अलावा सॉफ्ट इसका जो कोट है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और सारी वीडियोज़ लेके आऊँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी सेल से लाजमी फ़ायदा उठाएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है हमारी वेबसाइट का भी, हमारे पेजेस का भी, और सारी चीज़ों का। आप लोग इससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।